हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपके सामने एक बार फिर से लेके हाजिर हूं बेहतरीन 20 सवाल मैथमेटिक्स के। और आपसे मैं ये उम्मीद करता हूं आपके लिए वैल्यूएबल तो है ही, साथ साथ आपके दोस्तों के लिए भी वैल्यूएबल है। तो ये चाहते हैं कि हम अपने एग्जाम को क्रैक करें, नेक्स्ट लेवल जो होता है भर्ती का उसमें पहुंचे, या सीधे सीधे कह सकते हैं कि अगर उनको जॉब चाहिए, अगर उनको पुलिस इंस्पेक्टर बनना है, अगर उनको सितारे चाहिए, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही वैल्यूएबल है। आ जाओ, जुड़ जाओ हमारे साथ जल्दी जल्दी और शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का ये पहला सवाल आपकी नजर के सामने। देखो जी, हमने जितने भी आपको वीडियोज प्रोवाइड कराए उसमें सारे टॉपिक कवर कराए हमने, ठीक है दोस्त। आइए, आज का पहला सवाल कह रहा है कि तीन अंकों किसी संख्या, कहता है इनसे विभाजित करी जाती है और प्रत्येक दशा में तीन से बचे। बच्चे, मैंने आपको पढ़ाया नंबर सिस्टम में एक थ्योरम होती है, ट्यूशन थ्योरम, और उसका सेकंड पार्ट है ये, सॉरी फर्स्ट पार्ट है ये। तो आप क्या करते हो, नंबर फाइंड करना हो तो इसका एलसीएम ले लेते हो। ऐसे हम लोग 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 एलसीएम ले लो सबका। एलसीएम ले लिया तो आप जानते हो 2 इसमें है और 3 इसमें, बाकी सारी चीजें वही हैं। 8, 5, 40, 7, 21, 4, 1, 4, 4, 2, 8, 840, 840, ठीक है। और कह रहा आपसे प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। जरा देखो, अब कह रहा है कि 3 भी शेष बचे। ये मैंने ऐसी संख्या निकाल ली जो इन सबसे डिवाइडेड है। कह रहा 3 शेष बचे। अरे 3 शेष बचना है तो 840 में, 840 में भैया मेरे 3 जोड़ लो और बन गया क्या 843। अब जरा मुझे बताओ ये कितने अंकों की संख्या है, ये तो 3 अंकों की संख्या है। तो बच्चे, इसके बाद अगर मैं कोई संख्या प्राप्त करने का प्रयास करूंगा तो भैया वो होगी गुणा 2 + 3। तो गुणा 2 करोगे तो जरा गौर से देखो, 0, 4 × 8, 8 × 16 + 3, और जोड़ोगे तो 16, 83। अब जरा बताओ ये कितने अंकों की संख्या है। अरे बोलो बोलो, कितने अंकों की संख्या है ये? 4 अंकों की संख्या। हमसे क्या पूछा, 3 अंक, तो कितने मिलेंगे? सिर्फ और सिर्फ एक ही, एक ही, और कोई नहीं मिलना दोस्त। नेक्स्ट। अरे वाह गजब, मैंने कहा था ना टाइम डिस्टेंस स्पीड, देखते हैं आपकी स्पीड कितनी है। करो जरा। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी, एक बाइक एक ही समय बिंदु में x से चलकर बिंदु ए से 90 किलोमीटर दूर एक बिंदु तक एक साथ पहुंचती है, ठीक है। कह रहा है कि रेलगाड़ी की गति बाइक से 50% अधिक है। 50% अधिक होने का मतलब क्या है? 50% की फ्रैक्शन होती है 1/2, और 1/2 का मतलब क्या है कि अगर बाइक की गति 2 है तो रेलगाड़ी की गति 3 है। भैया अगर ये दोनों की स्पीड का अनुपात है तो इनके द्वारा लिए गए टाइम का अनुपात क्या होगा? सीधे सीधे उल्टा। पक्का? अब देखो जरा गौर से। कह रहा है कि रास्ते बीच में रुकते हैं, स्थान पर रुकते हुए 12 मिनट खर्च करते हैं। कहता है हालांकि रास्ते में बीच के स्थान पर रुकते हुए उसके 12.5 मिनट खर्च होते हैं, बाइक की गति क्या होगी? देखो जरा गौर से देखो बच्चा, रुकेगा कौन भाई? सवारियां किसको उतारनी होती हैं? बच्चा सवारियां जो उतारना होती है वो तो रेलगाड़ी को उतारनी होती है, है ना? बोलो जरा। बहुत बढ़िया। कह रहा है कि 90 किलोमीटर दूर जाना है, मतलब कि दूरी जो है वो 90 किलोमीटर की है। समझे कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया। अब जरा गौर से देखो और बताने का प्रयास करो। कह रहा है कि 12 मिनट उसने खर्च कर दिए, 12 मिनट उसने खर्च कर दिए। किसने खर्च कर दिए? रेलगाड़ी ने खर्च कर दिए। अब जरा गौर से देखो आपसे क्या पूछा है। कह रहा है कि बाइक की गति बताओ। बच्चे एक बात तो समझ लो, जो भी बाइक की स्पीड होगी वो 2 के ही अनुपात में होगी, हाँ या ना?
होगी कि नहीं होगी? बहुत है। अब जरा एक चीज और समझो, जो टाइम लगेगा ना वो कुल मिला के 3-2-5 यूनिट लगेगा। मैंने कहा टाइम 5 यूनिट है, बताओ 5 यूनिट से 90 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में कवर हो जाएगी? तो आप कहोगे सर 5 से मैंने काटा तो 5 × 5=40, यानी कि कुल मिला के 18 यूनिट टाइम में कवर हो जाएगा, सॉरी मतलब 18 किलोमीटर पर घंटा। दोनों की जो स्पीड रही वो कितनी रही? 18 किलोमीटर पर घंटा। अब जरा गौर से देखो, 18 को हम क्या करें, 2:3 के अनुपात में बांट दें। जरा 2:3 के अनुपात में बांटो भाई। कह रहा है कि ये 2 ये 3 टोटल मिलके पांच। तो भैया 5 अगर बांटोगे तो आप जानते हो 18/5 × 2 ये हो गई इसकी स्पीड। भैया मेरे ये हो गई आपकी स्पीड बाइक की। किसकी हो गई? बाइक की। अब जरा गौर से देखो, जिसमें 3 का मल्टीपल होगा ना वही मेरा आंसर है, या 9 का मल्टीपल, तो 8×9=72। गौर से देखो, अरे देखो यहाँ 18 है ना, 9 का मल्टीपल, तो भाई वो बाइक की स्पीड है, बाइक की स्पीड में क्या होना चाहिए? 9 का मल्टीपल। तो भैया देखो ये 9 का मल्टीपल आंसर है। बोलो समझे कि नहीं? नेक्स्ट सवाल देखो, ये बहुत ही गजब सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल अपने आप। आइए पढ़िए। कह रहा है कि 23.2 का कह रहा है 2 3 4 3 4 ... कह रहा यही रिपीट कर रहा। सबसे पहले इसको क्या करो भैया, बनाओ। किसने बनाए? अरे उसी में बनाओ भैया। अरे इसको आप लिख सकते हो डायरेक्ट 2 3 4 / देखो जी 9 9 यही तो लिख सकते हो। अरे बार गायब, दशमलव गायब, 9 9 जिसपे बार नहीं था उसकी जगह 0 आ गया। अब आपसे कह रहा है कि अंश और हर में अंतर बताओ, तो जरा अंतर निकाल लो ना बबुआ। तो आप ये बात जानते हो, अंतर अगर मैं निकालने लगा तो 23, 234 में 990 का मैं अंतर ले लो। गौर से देखो जरा, ये कह रहा भैया ये 4 ही निकलेगा, यहाँ 13 हुआ तो 9 4 13, और यहाँ क्या होगा 11, यानी कि 2 11, और मेरे बाबू यहाँ क्या आ गया आप जानते हो, यहाँ आ जाएगा इतना अंतर। कोई ऑप्शन मिल रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, कह रहा हर से कितना देखो, कोई समस्या नहीं है दोस्तों, एक अदर ऑप्शन कोई बना लो ना। ऑप्शन गलत है ये आपका, समझ पा रहे? नेक्स्ट कह रहा कि 3 लीटर 4 लीटर 5 लीटर आकार के 3 गिलास में दही और पानी का मिश्रण 2:3, 3:7, 4:11 है। यदि तीनों मिश्रणों में एक बर्तन, मतलब तीनों मिश्रणों को एक बर्तन में डाल दिया जाता है तो परिणामी मिश्रण में पानी को दूध दही की तुलना में अनुपात बताओ। समझ पाया था? बहुत बढ़िया। कह रहा है कि ये 3 लीटर का मिश्रण है, इसमें 2 पानी 2 दही है और 3 पानी है। कोई दिक्कत ना है जी, हमें क्या करना, हमें निकालना इसमें क्या पानी और दही अलग अलग निकालना दोस्तों। तो निकालो जरा, अब अगर निकाल पाए तो इसको हम लिख सकते हैं 3/5। दही को निकालना है तो 2 पानी को निकालना है तो 3 × 3/5। तो गौर से देखो ये कितना है 6/5 और ये कितना है 9/5। हाँ या ना बोलो? बहुत बढ़िया, सेम उसी तरह से सबको कर दो। तो 4 को अगर डिवाइड करोगे तो भैया आप जानते हो ये 10 हुआ तो दही हो जाएगा कितना, 4/3/10। यहां करो जरा 4/7/10। अब जरा इसको करने का प्रयास करो, 5 दही हो जाएगा कितना, 5/4/15। और पानी कितना हो जाएगा, 5/11/15। अब करना क्या है दोस्तों, देखो ये आपका दूध मतलब पानी दही, ये आपकी दही और ये आपकी दही,
दही दही को जोड़ लो। ये आपका पानी, गौर से देखना, ये आपका पानी, ये आपका पानी और ये आपका पानी, पानी को जोड़ लो और दोनों का अनुपात ले लो, सवाल का आंसर आ जाता है। बढ़िया है भाई, कर लेना आप। नेक्स्ट कह रहा है कि एक लड़का अपनी यात्रा का पहला भाग 30 किलोमीटर पर घंटे की गति से और दूसरा भाग 70 किलोमीटर पर घंटा की गति से, कह रहा औसत स्पीड बताओ। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला बहुत अच्छा निकाला हुआ है। कैसे भैया? या एक काम करो ना दोस्तों, एक काम और भी कर सकते हैं क्या, मैं इन सबका रेशियो लेके काम चला सकता हूं। तो रेशियो लेंगे तो बताओ, जीरो से जीरो तो कैंसिल हो जाता है, अरे हट जाया, जीरो से जीरो कैंसिल। अब जरा गौर से देखो, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7, बटा इन दोनों का उकड़ा 10 आया ना। अब एक बात मुझे समझ में आ रही है सर, कि 7 * 21 = 21 = 42। और गौर से देखो, अनुपात जब मैंने लिया था तो दोस्तों एक जीरो तो यहां रह जाता है, तो एक जीरो से वो जीरो काट देगा, मतलब 42 किलोमीटर पर घंटा। इस चीज का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, कैलकुलेशन छोटी हो जाती है, 42 किलोमीटर पर घंटा आपका आंसर है, औसत चाल है। नेक्स्ट कह रहा कि तीन दोस्त ए बी सी एक निश्चित धनराशि बांटी जाती है, वो क्या भाई? वो है देखो ये क्या भाई, ये सॉरी भाई, हो जाता है कभी कभी जब सवाल ऐसा देख देख लो ना कि बहुत मतलब गजब सवाल है, बहुत अच्छा सवाल आया है, या कह सकते हो यार बिल्कुल एग्जाम टाइप सवाल आया है, तो मन उछलने लगता है, और जब मन उछलने लगता है तो ऐसी कभी कभी चीजें हो जाती हैं। आइए दोस्तों देखो जरा, कहता भाई बी और सी इकट्ठे, बी और सी इकट्ठे को ए से दुगनी राशि प्राप्त होती है। कहता बी, जरा गौर से देखो, बी प्लस सी इसको दुगनी राशि प्राप्त होती है ए से, भैया ए को 1 मिला, बोलो। अब आइए और आगे क्या कह रहा है, आगे आपसे कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि बी को मिलने वाली राशि, बी को जो मिलने वाली राशि थी, बी को जो मिलने वाली राशि थी, ठीक है, इसको कैसे मिला? कहता ए और सी इकट्ठे मिलने वाली राशि का 1/4 थी, 1/4 मतलब मैं कहूं अगर ए प्लस सी अगर 4 होता तो 1/4 क्या होगा भैया? 1 होगा। अरे बोलो हाँ यार, आप कहेंगे सर बिल्कुल हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहूं ए बी सी तीनों क्या होंगे, तो आप कहोगे ए बी सी मिलके यहां 3 हो रहा है, लेकिन यहां ए बी सी मिलके कितना हो रहा है भैया? यहां ए बी सी मिलके हो रहा है क्या हो रहा है, 3 * 2 = 5 है ना। कह रहा अलग अलग क्यों जब तीनों ए बी सी ही हैं, काहे अलग अलग हो रहा है, अलग अलग मत करिए, अब समान कर दीजिए भैया, यहां 5 कर दो, यहां 3 का गुणा कर दो मेरे भाई, यहां 5 का गुणा किया तो यहां भी 5 का गुणा, यहां भी 5 का गुणा, यहां भी 3 का गुणा और यहां भी 3 का गुणा। इतनी बात आप समझे कि नहीं समझे बताइए, बहुत आराम है, बहुत दिक्कत, कोई समस्या नहीं। देखो भैया यहां हो गया 10 और ये हो गया 5, मतलब ए की जो वैल्यू 5 निकल गई, और यहां 4 * 3 = 12। अब देखो जरा, ए जब अकेले 5 है तो सी कितना होगा? तो भैया सी होगा 7 सीधे सीधे, यानी ए 5 है तो सी 7 होगा। तो बताओ बी कितना होगा? भैया बी होगा 3। गजब। अब आप आराम से बांट सकते हैं भैया, 7 * 5 = 12 = 3 = 15, और 15 यूनिट रिप्रेजेंट करता है इतने को, किसकी वैल्यू चाहिए जरा गौर से बताओ। कह रहा है अच्छा कितनी कम होगी ए से, कितनी कम होगी, अच्छा ये पूछ रहा है, तो इसकी 5 है इसकी 3 है तो कितनी कम होगी जरा देखो, यानी कि 2 की कमी, तो ये 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए आपको, तो गुणा 2 कर दो सीधे सीधे। अब जरा देखो गौर से, यानी कि 15 क्या कर दे भैया, 15 से काट दे, 15 * 3 = 45 यानी 11 हुआ, 15 * 7 = 105 ठीक है भैया, 15 * 7 = 105 7 बचा, और 15 * 5 = 75 15 * 5 = 75 और गुणा 2 ही तो करना है। अब इसका 300 होता है और 3 * 2 = 6 यानी कि बताओ भाई, अरे 75 * 150 यानी कि 150, 1 + 3 * 2 = 6 = 750 ये आपका आंसर है, 750। मित्र क्या है वो,
750 है मेरे वीर मेरे शेर। अब आइए अगले सवाल। कह रहा है कि अगर एम एन का संबंध इससे है, ठीक है, एम एन का संबंध क्या है, इससे है, एम एन का संबंध 1, 2, 3, 4 से है, तो सूत्र ये इज इक्वल टू 0, जिसके वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य कि कितने समीकरण हो सकते हैं। अब जरा एक बार गौर से देखिए और भैया हमको यह बताने का प्रयास करिए क्या। सबसे पहले तो मूल निकालिए। अच्छा, जब मूल जब वास्तविक होते हैं तो यहां पे आप जानते हो कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac होता है। बी स्क्वायर क्या है, एन है, एन का स्क्वायर। 4ac मतलब 4 का मतलब 4ac, कोई समस्या नहीं है। एन की जो वैल्यू आ गई ना भैया वो प्लस माइनस का 2 आ गई, यानी कि ए की एक बार वैल्यू प्लस का 2 और एन की एक बार वैल्यू क्या होगी, माइनस का 2। समझ पाए बात को, समझ पाए कि नहीं समझ पाए बात को। अब जरा देखो गौर से, एन की वैल्यू सिर्फ इतनी ही आ गई और एम की वैल्यू 3 है। समझ पाए, तो बताओ जरा एन तो यहीं पे रखा जाएगा, रखा जाएगा नहीं रखा जाएगा, तो बताओ कितने इक्वेशन पॉसिबल हैं। तो एक तो ये, एक तो ये, एक इसको रख लिया जाएगा, इसका मतलब कुल मिला के 3 इक्वेशन पॉसिबल है बच्चे। कितने, 3। गजब। नेक्स्ट आसान सवाल है, ऐसा सवाल मैंने कराया पहले, मतलब इससे पिछले सेशन में। कह रहा है कि भाई इतने डेटा है 20 बल्लेबाज, बहुलक बताइए। देखो जरा बहुलक बताओ, बहुलक मतलब जो काफी संख्या में, ज्यादा संख्या में आओ, तो 45, देखो 45 कहीं रिपीट हुआ है क्या, 45 नहीं रिपीट हुआ तो ये बहुलक नहीं हो सकता। 48 देखो रिपीट हुआ, नहीं हुआ है, 48 भी बहुलक नहीं हो सकता, ठीक है भैया। 63 रिपीट है क्या, देखो 63 भी नहीं रिपीट हुआ, इसका मतलब ये भी बहुलक नहीं हो सकता। 89 रिपीट हुआ है क्या, अरे भैया 89 देखो एक बार, 89 देखो एक बार, ठीक है 89 देखो, और भाई यहां भी, और 89 कही है क्या, नहीं, यानी कि 3 बार 89 रिपीट हुआ, लेकिन क्या ये बहुलक है, नहीं पता। 78 देखो, 78 कितनी बार भैया, देखो 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 79 तो है ये नहीं है, तो ऑप्शन कटा, ऑप्शन कटा। फिर देखो भैया 85 देखो, 85 देखो जरा, 85 देखो एक बार, यहाँ एक बार 85, एक ही बार 85 है तो 85 भी कटा, क्योंकि हमारे पास रिपीटेशन ज्यादा 89 के। 86 देखो भैया, 86 सही है नहीं है, इसका मतलब 89 क्या है मेरे मित्र, मेरे बंधु, 89 क्या है हमारे सवाल का आंसर है। अगला कह रहा है कि सभी स्केल की सबसे बड़ी मुमकिन लंबाई कितनी हो सकती है जिससे इसको ठीक ठीक माप लिया जाए। अरे वाह बहुत बढ़िया, क्या गजब सवाल है। कहता है कि 12 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो सबको सेंटीमीटर में चेंज करो, यानी कि 1220 सेंटीमीटर, कह रहा है इसको भी माप लिया जाए, और 420 सेंटीमीटर इसको भी माप लिया जाए। अब जरा क्या ले लो भैया, अगर मैं कहूं रेशियो ले लो तो भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि रेशियो मतलब रेशियो से जो आप निकालते हो वही तो एचसीएफ होता है। तो 10 अगर मैंने निकाला तो 10 एचसीएफ हो सकता है, लेकिन और भी कॉमन है क्या मेरे भाई, 122 यहां बचा और यहां 42 बचा, तो गौर से देखो जरा कि क्या क्या कॉमन है। देखो जरा 2 छक्के 12, 2 एकम 2, सिर्फ 2 ही कॉमन है और बाकी ना इसमें कोई कॉमन है ना उसमें कोई कॉमन है, सिर्फ 2 ही कॉमन है। तो 10 दो ना भैया 20, एचसीएफ क्या क्या 20, यानी कि 20 सेंटीमीटर कोई लंबी कोई छड़ होगी जिससे इसको भी माप लिया जाएगा, इसको भी माप लिया जाएगा। बोलो क्या मेरी बात से इत्तेफाक आप रखते हो, क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है, आ रही है जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कह रहा है कि अपनी सामान्य गति से 3/4 रफ्तार से चलते हुए रमेश को घर पहुंचने में 20 मिनट की देरी हो जाती है। अरे कोई दिक्कत नहीं है यार, आओ जरा सवाल पे। कह रहा है कि अपनी सामान्य गति से 3/4, सामान्य गति नीचे और अब चल रहा है वो 3 गति से। कहता सामान्य गति अगर मैंने ये मान लिया तो अब कितनी गति है उससे 3/4, तो इसका 3/4 करो गति, ये हो जाएगा, माननी वाली चीज है। मैं इसको चाहूं तो 8 और इसको 6 मान सकता हूं, मैं चाहूं इसको 12 और इसको 9 मान सकता हूं, मानने वाली चीज है दोस्त, चाहे जो मान लो। अब कह रहा अगर स्पीड ये है, अभी मैंने आपको एक सवाल कराया है, अगर स्पीड ये है तो बताओ टाइम क्या होगा। अरे मित्र टाइम क्या हो सकता है, उल्टा। कह रहा है कि नेक्स्ट पढ़ो, कह रहा है कि घर पहुंचने में 20 मिनट की देरी हो जाती है।
कहता पहले वो तीन अब वो चार यूनिट टाइम लेता है। वो कितना ज्यादा यूनिट टाइम लेता है? एक ज्यादा यूनिट टाइम लेता है। कहता ये बराबर है 20 मिनट के। किसके बराबर है दोस्तों? 20 मिनट के बराबर है। ये 20 मिनट है। आपसे कह रहा है कि रमेश को घर पहुंचने में सामान्य कितना समय लगा होगा? तो सामान्य तो 3 यूनिट टाइम लग रहा है, यानी कि 3 यूनिट बराबर 20 दिया 60, यानी भैया मेरे 60 मिनट। वाओ। नेक्स्ट भाई कह रहा पी का 5%। अब इससे झंडू सवाल तो कोई हो ही नहीं सकता है। आ जाओ दोस्त। कह रहा कि 5 का मतलब पी का 5%, तो पी का 100% कितना होगा? अरे भाई 20 इसमें 20 में का मतलब 200, इसका मतलब 200। पी की वैल्यू क्या हो जाती है मित्र? 200। क्यू की वैल्यू भाई क्यू का 10%, 10 ये तो 100% क्या होगा? क्यू का 100% होगा मित्र 50। अब कह रहा आर का, कह रहा भाई आर जो है, अबे रुक जा यार, आर इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी। कर लो भैया मेरे, Q की वैल्यू है 50, P की वैल्यू है 400। यहां से हमने अगर घाटा होता तो कुल मिला के 1/4 हमारे सवाल का उत्तर आ जाता है। समझता है भाई? अगले सवाल से आते हैं। कह रहा है कि बाबू 60 के कितने गुणन खंड होंगे? है 60 के कितने गुणन खंड होंगे? कुछ बच्चे ऐसे होंगे ना जो ऐसे निकल पड़ेंगे एलसीएम वाला गुणन खंड निकाल ले। अरे नहीं जी, बिल्कुल नहीं भैया। गुणनखंड का मतलब वही कि जो जो नंबर 60 को काट दे, तो पहली बात तो एक काटेगा, फिर दो काटेगा, फिर तीन काटेगा, फिर चार काटेगा, फिर पांच काटेगा, छह काटेगा, सात नहीं काटेगा, आठ नहीं काटेगा, नौ भी नहीं काटेगा, दस काटेगा, बारह काटेगा, पंद्रह काटेगा, बीस काटेगा, तीस काटेगा, साथ साथ 60 भी काटेगा। बताइए भैया कितने गुणनखंड? जोड़ो। कह रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कितने गुणनखंड हो गए मित्र? 12। बोलो बड़े आगे। अगला सवाल कह रहा है कि दो रेलवे स्टेशन ए से बीच की दूरी 110 किलोमीटर है। चलिए भैया हमने कह दिया तो 110 किलोमीटर, तो आप मान लीजिए 110। फिर आपसे कह रहा है दोस्तों ट्रेन एम स्टेशन ए से सुबह 7 बजे निकलती है। चलिए भैया स्टेशन एम ए यहां पे है, यहां से एक ट्रेन एम निकलती है कितने बजे भैया? 7 बजे, यानी कि सुबह सुबह। आइए दोस्तों कह रहा है कि स्टेशन बी की ओर 20 किलोमीटर, देखिए स्पीड भी बता दिया। अरे वो कह रहा 20 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से। आगे देखिए क्या बता रहा है। कहता पी, एक ट्रेन पी है जो हिधर चल रही है और इसकी स्पीड क्या है भाई? पहले कह रहा है कि 8 एएम पे चलती है। भैया इसकी स्पीड क्या है बताओ? 25 किलोमीटर पर आवर। अब बोलो कहां निकालना आपसे? कह रहा बताओ दोनों एक दूसरे से कितने बजे मिले? यही तो सवाल है। अब जरा गौर से देखो, 8 बजे जब एक दूसरे से के समान टाइम पे चलेंगी तभी हम अपेक्षित चाल निकाल सकते हैं। तो समान कर दो भैया, 1 घंटे में ये कहां पहुंच जाएगी? कुछ यहां पहुंच जाएगी। क्या किलोमीटर चल जाएगी? 20 किलोमीटर। कैसे पता? अरे भैया 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल रही है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी बची भैया? 90 किलोमीटर। अब कह रहा 90 किलोमीटर की दूरी अपेक्षित चाल हो जाती है 45। ये दोनों जोड़ देते हैं, कहें कि विपरीत चल रही है, तो 5 मतलब दूना हो जाएगा, यानी कि 2 घंटा और 1 घंटा यहाँ, यानी कि करना भैया क्या आप चीजें कह सकते हो? 2 ही घंटा तो लगा, यानी कि 8, 2, 10, यानी कि 10 बजे सीधे पहुंच जाएगी। 1 घंटा यहां से लोगे तो 3 घंटा, यहां से लोगे तो 2 घंटा, 10 बजे दोनों आंसर समान ही आना। नेक्स्ट कह रहा कि एक ट्रेन अपनी यात्रा के पहले 10 घंटे 24 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से। ये देखो शेष लिखा है, और वो भी शेष लिखनी भी उसको नहीं आया, शेष। कह रहा कि शेष 6 घंटे 60 किलोमीटर पर घंटे। कहता औसत चाल बताओ दोस्तों, औसत चाल बताओ। आपसे कह रहा है कि पहले 10 घंटे होते ना, तो देखिए जी आप ये बात जानते हैं औसत चाल बराबर एक्चुअली में क्या होता है, औसत चाल क्या होता है औसत, अरे औसत चाल है बराबर होता है कुल दूरी
बटा कुल समय। अब यहां अगर जो बच्चा ये सोच रहा है कि मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दूं कि 2xy बटा x प्लस वाई, तो बच्चे ये तभी लगता है ना जब दूरी समान हो, जब दूरी समान हो और उसी दूरी को बार बार दोहराया जाए निकाल सकते। लेकिन जेन्युइन तरीका यही है, सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप कुल दूरी निकालो। तो भैया आप जानते हो दूरी निकालने का तरीका हमारे पास है चालगुड़ा समय यानी कि 240 प्लस कुल दूरी, तो ये नहीं है अभी और दूरी ट्रेवल की गई है, कितना 6×36 मतलब 360। भैया मेरे अब टोटल टाइम से भाग दो, इसका मतलब 10×6=16 ये टोटल टाइम है। अब जरा गौर से देखो, आप जानते हो कि 3 और 2 5 होता है और 5 और 1 6 यानी कि 600 बटा क्या 16। अब सोल्व भी तो करना है दोस्तों, कर लो जरा 2 से तो 300 बचेगा बटा 8 बचेगा, 8 जानते हो 12.5 होता है ना, और 12×36 का मतलब 37.5। समझ पाए? नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि शिवा ने एक निश्चित धनराशि 2000 रुपए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करता है, 6% की वार्षिक ब्याज दर, 3 साल की अवधि के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए। दोस्तों कह रहा है कि 2000 रुपए का 6% के हिसाब से जो साधारण ब्याज बनेगा वो क्या बनेगा? भैया हर साल 6% मिलेगा, तो 6% का मतलब अरे 6×2=12 120 120 120। हाँ या ना बोलो, ये तो 3 साल का साधारण ब्याज हो गया। अब चक्रवृद्धि क्या होगा? भैया चक्रवृद्धि वो होगा कि अब इस ब्याज पे भी ब्याज, यानी कि 12×72 यानी कि 7.2 इतना ब्याज मिला प्लस। अगले साल क्या होगा? अरे भैया इस पे भी मिलेगा, इस पे भी मिलेगा और इस पे भी मिलेगा, तो इन दोनों पे तो आप जानते हो 7×14.4 और इस पे क्या मिलेगा, मतलब आगे इस वाले पे ब्याज मिलेगा, यानी कि इसका अगर 6% निकालोगे तो 6×12 12×2 carry 1 और 6×7=42 और 1×43 43 और 0.5 यहां आ जाएगा। समझ पाए? बहुत पाए। आपसे कह रहा है अंतर ही बताना है ना, तो भैया इसी को जोड़ दो, यही तो अंतर है, ठीक है। और ये वैल्यू जो आ रही है ना वो एक अप्रोक्सीमेट आ रही है, यानी कि 14 और 7 कितना होता 21। समझ पा रहे हो? यानी कि 21 रुपए के आसपास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही, बिल्कुल कोई करेक्ट वैल्यू नहीं आ रही। बढ़े आगे दोस्त। नेक्स्ट कह रहे हैं अशोक के पास 60 रुपए प्रति किग्रा और 85 रुपए प्रति किग्रा दो प्रकार की गेहूं है। भैया मैं इसको लगाता हूं, जरा आप ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि 60 और 85 दो प्रकार की गेहूं है, मिक्सचर कर दिया, 84 में बेच दिया और कह रहा है कि 20% का मुनाफा लिया। 20% की वैल्यू होती है 1/5 और 1/5 का मतलब क्या, 5 में 1 का मुनाफा मतलब क्या भैया, यानी कि भैया 6 यूनिट रिप्रेजेंट करता है इसको, 6 यूनिट रिप्रेजेंट करता है इसको। तो भैया मेरे, मैं आपसे कहूं तो 5 यूनिट बराबर कितना, तो बटा 6 कर दो। अब देखो जरा 6 कम 6 6×24 यानी 14×6=84 14×5 जिसको आता हो ठीक है, नहीं आता हो तो यहां पे देखे बस इतना 10 यहां देखो 15। अब बताओ जरा मैंने क्या निकाल दिया भैया, मैंने ये निकाल दिया, मैंने दोनों का रेशियो निकाल दिया 3:2 ये रेशियो आ गया। अगर ये रेशियो है दोस्तों तो देखो टोटल मेरे भाई टोटल कह रहा है, अच्छा अनुपात ही तू पूछ रहा था, अरे वाह गजब, अनुपात ही तू पूछ रहा था, निकल गया अनुपात। नेक्स्ट सवाल आगे अगला कह रहा है कि 21 अक्टूबर को रविवार है तो 21 नवंबर को कौन सा दिन होगा। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। देखो जी अक्टूबर से लेकर नवंबर तक लिखो, तो अक्टूबर नवंबर दो ही तो है, इसमें क्या लिखना होता है, इसमें रिमेनिंग डेज लिखना होता है, रिमेनिंग डेज इसमें क्या लिखना होता है, इसमें गिवन डेट लिखना होता है, गिवन डेट। तो रिमेनिंग डेज बताओ 21 अक्टूबर 30 का कि 31 का बताओ, तो आप कहोगे सर अक्टूबर 31 का, तो इसमें 10 दिन बचे हुए, ये भाई 21 भैया दोनों को जोड़ दो 31। आप जानते हो 31 में 3 ऑड डे होते हैं, 31 में 3 ऑड डे होते हैं,
कैलेंडर में आगे जा रहे हो पीछे, अरे भाई अक्टूबर से लेकर नवंबर तक आगे ही जा रहे हो, तो तीन जोड़ दो, यानी कि रविवार होता है जीरो, तो तीन जोड़ा मेरे भाई, तो आ जाएगा बुधवार, क्या आएगा मेरे दोस्त, बुधवार नेक्स्ट। राजा ने अपनी पूंजी एक बैंक में निवेश की, ये राशि साधारण ब्याज से दो साल में, बहुत आसान सवाल है, कह रहा है दो साल में कितना हो जा रहा है, दो साल में 1120 हो जा रहा है, और कह रहा है कि पांच साल में कितना हो जा रहा है, कह रहा है कि 1300 हो जा रहा है, पांच साल में 1300 हो जा रहा है, जरा घटाओ तो भैया यहां हो जाएगा 20, अरे यहां थोड़ी 20 होगा 80, इसमें इसको घटाओ, यानी कि यहां हो जाएगा 80 है ना, और आप जरा देखो गौर से, यहां तो 12 बचा, 12 में से कह रहा 180, कह रहा पांच मतलब तीन साल का ब्याज निकल गया, तीन साल का ब्याज 180, तो एक साल का ब्याज तो बटा तीन कर दो, तो तीन छक्के 18, मतलब एक साल का ब्याज हो गया 60 रुपया, एक साल का ब्याज 60 रुपया, दो साल का ब्याज कितना 120 रुपया, दो साल का ब्याज कितना 120, साधारण ब्याज है, ब्याज ब्याज हर साल समान समान ब्याज, कह रहा है कि मूल राशि बताओ, भैया मूल राशि देखो इसमें से घटा लो, 1000 रुपया आपकी मूल राशि है, 1000 रुपया आपकी मूल राशि है, समझ पाए, बहुत बढ़िया दोस्तों, यहां सेशन खत्म करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, वो ये है कि यूपीएसआई से रिलेटेड ऐसे बेहतरीन कोर्स जैसे आप अभी पढ़ पाए हो, ऐसे बेहतरीन सवाल, बेहतरीन ट्रिक्स और गजब गजब सवाल जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो हमने पढ़ा रखे हैं, तो देर किस बात की, जाइए मोबाइल पाठशाला का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए या वेबसाइट पर विजिट करिए और ऐप बैच परचेज करिए और हमारे साथ मतलब धुआं धुआं कर दीजिए, तो अच्छे इस वीडियो में।